हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह के बारे में कि इस सप्ताह में आपको कौन कौन से बदलाव दिखाई देंगे, बेबी की ग्रोथ कितनी हो जाती है और आपको कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनी रहे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में आपका ओव्यूलेशन हो सकता है और आपका इम्प्लांटेशन भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। देखिए, हर महिला के शरीर में दो ओवरीज होते हैं, जिनमें से किसी भी एक तरफ की ओवरी एक अंडे को प्रोड्यूस करती है और ये अंडा महीने के किसी एक दिन ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और इसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, उस दौरान अगर आप रिलेशन रखते हैं, यानी कि आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो मेल का स्पर्म आकर इस अंडे को फर्टाइल कर देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जब आप रिलेशन बनाती हैं तो मेल के स्पर्म की शुरुआती दो बूंदों में ही सबसे ज्यादा शुक्राणु होते हैं और वहां से शुक्राणु तैरते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं। अब इन शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु अंडे की सेल के अंदर चला जाता है और उसके बाद अंडे का कवर बंद हो जाता है। अंदर जाने के बाद अंडे के क्रोमोसोम्स और स्पर्म के क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद सेल का बनना शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बहुत तेजी से सेल्स आपस में टूटते हैं और आपके गर्भ में बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। हर महिला के अंडे में 24 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम बच्चे का कलर क्या होगा, उसके बालों का रंग क्या होगा, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, स्किन कैसी होगी, ये सब डिसाइड करते हैं। और एक क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि आपके क्या होगा, लड़का या लड़की। महिलाओं के अंदर जो अंडा बनता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है। अब जिस तरीके से महिलाओं के अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं, उसी तरीके से पुरुष के स्पर्म में भी 24 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम उसका कलर क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। और एक क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। पुरुष के क्रोमोसोम में एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। अगर ऐसे में पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो हमें लड़की पैदा होती है, और अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो हमें लड़का पैदा होता है। तो आपके घर में लड़का होगा या लड़की होगी, ये पुरुष के स्पर्म पर डिपेंड करता है, महिला के अंडे पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद जब आपका अंडा फर्टाइल हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो कि एक गद्दे की तरह होती है, उस पर आकर के चिपक जाता है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग गर्भाशय के अंदर होती है और ब्लास्टोसिस्ट आकर इस लाइनिंग पर चिपक जाता है। बाहर का हिस्सा प्लेसेंटा बनाता है और उसी से बच्चे को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर के हिस्से में मांसपेशियां डेवलप होती है और एमनियोटिक फ्लूइड की थैली भी बनती है, ताकि आपके बच्चे को बाहर के झटके से तकलीफ ना हो। और जब ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर आकर चिपकता है तो हम इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। इस दौरान आपको हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, जिसको कि हम स्पॉटिंग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कितनी हो जाती है। तो इस समय बच्चे की ग्रोथ बहुत थोड़ी सी होती है। आप ये समझ सकते हैं कि आपने पैन की निब में एक छोटा सा गोला देखा होगा, बच्चे की साइज जितनी होती है, जिसको अगर हम मिलीमीटर में नापें तो 0.04 से लेकर 0.05 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। चलिए हम बात करते हैं कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो प्रीमैटरल विटामिन्स लेना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन D3 की गोलियां दी जाती हैं। इससे आपके बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और मिसकैरेज होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से आपके शरीर में एड्रेनलिन नाम का केमिकल बनता है, जो कि इम्प्लांटेशन में दिक्कत पैदा करता है। इसके अलावा कोई भी बुरी आदत, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी को भी अवॉइड करना शुरू करना होगा। और अगर आप कैफीन, यानी कि कॉफी और चाय पीते हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में आपके अंदर क्या क्या होता है, आपको कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर DM करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।